हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरु जी चैनल के करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 12 जनवरी है और आज की वीडियो की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट और टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कोर्सेज के बारे में जानकारी। एमपीपीएससी प्री के लिए फ्री लाइव क्लासेस डेली हो रही हैं, रात 8 बजे से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पर। साथ में फ्री के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। एमपीएससी 2019 के लिए टेस्ट सीरीज और एमपीपीएससी 2019 के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। शुरू करेंगे वीडियो, सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने कल के पड़ गया करंट अफेयर के प्रश्न का कि एक राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा। तो ये कार्यक्रम 5 साल के लिए है, 2024 तक चलेगा। दूसरा प्रश्न है कि 10 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसके लिए जो मनाया गया, सेना वायु रक्षा दिवस मनाया गया। वही तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के जो निदेशक हैं आलोक वर्मा, उनके पद से हटाकर कहां कहां का महानिदेशक बना दिया गया है और उनका ट्रांसफर किया गया था अग्निशमन सेवा और होमगार्ड्स में, और फाइनली उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है इस पद से भी, नए वाले से भी। पांचवा प्रश्न है कि मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात में एक एम्स और जम्मू कश्मीर में कितने एम्स को मंजूरी दी है, और ये मंजूरी दी गई जम्मू कश्मीर के लिए दो, कुल 3 एम्स को मंजूरी दी गई, गुजरात में 1 और जम्मू कश्मीर में 2। छठवां प्रश्न है कि किस देश के बैंक है पसरगढ़ बैंक, उसको मुंबई में शाखा खोलने की अनुमति दी गई है और ये अनुमति दी गई है ईरान का बैंक है ये। सातवां प्रश्न, नासा के किस उपग्रह ने पृथ्वी से 3 गुना एक बड़े ग्रह की खोज की है और ये खोज की गई है TESSS टेस्ट के द्वारा। आठवां प्रश्न के किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। वही नवा प्रश्न है कि किसे अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार दिया गया मोहम्मद सलाह को। दसवां प्रश्न है कि हॉकी इंडिया ने सीनियर हॉकी टीम के कोच के पद से किसे हटा दिया है और ये हटाया गया है हरेंद्र सिंह को, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, वीडियो पसंद आता है लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि जीएसटी में छोटे कारोबारियों के लिए जो छूट की सीमा थी उसको 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है। तो जीएसटी की 32वीं बैठक हुई थी और इसमें ये सीमा बढ़ाकर कर दी गई है 40 लाख रुपए। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 40 लाख। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जीएसटी काउंसिल की 10वीं बैठक 10 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुई और इसमें क्या क्या फैसले लिए गए। पहला एक कि कंपोजिशन जो स्कीम है उसकी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया। वहीं दूसरा, जो छोटी कारोबारी है उनको राहत दी गई है। 20 लाख तक का जो कारोबार करते थे पहले उनको जीएसटी देना पड़ता था, अब इसकी सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है वार्षिक। जीएसटी काउंसिल ने केरल जो राज्य है उसको 2 साल के लिए 1% आपदा सेस लगाने को मंजूरी दे दी है कि आपदा सेस वो अपने यहां वसूल सकता है। तो ये थे जीएसटी के बारे में डिटेल। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि किस बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये जो केंद्र और 6 राज्य सरकारों ने किए हैं समझौते पर हस्ताक्षर, और ये किए गए हैं रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। फिर से सुनिए, रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है कि जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और इनकी उपस्थिति में 6 राज्यों, कौन कौन से 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसके लिए नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 6 के 6 मुख्यमंत्री यहां उपस्थित थे। फायदा क्या होगा इससे, इस परियोजना के पूरे हो जाने पर राजस्थान और जो दिल्ली है उसको पेयजल की समस्या अगले 50 साल के लिए हल हो जाएगी, ऐसा कहना कहा जा रहा है। और यह परियोजना कहां बनेगी, तो ऊपरी यमुना थाला का जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर यमुना और उसकी 2 सहायक नदियां टोंस और गिरी से संबंधित है और वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि तीसरा प्रश्न है कि भागीदारी सम्मेलन 2019 का 25वां संस्करण कहां शुरू होगा, यानी कि पार्टनरशिप समिट जो 2019 है वो कहां शुरू होने वाली है, और ये शुरू होगी नई दिल्ली में, सॉरी मुंबई में। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, मुंबई के अंदर इसको शुरू किया जाएगा 12 से लेकर 13 जनवरी में। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भागीदारी सम्मेलन 2019 का 25वां संस्करण मुंबई में शुरू होगा
और क्या है ये? तो ये आर्थिक नीति के साथ साथ जो देश का विकास है उसके रुझान पर भारतीय और जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, हस्तियां हैं, उनके बीच में संवाद होगा, विचार विमर्श होगा, सहभागिता होगा, तो उसका एक ये प्लेटफॉर्म है। और ये 2 दिन का सम्मेलन है, उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 24वां चौथा प्रश्न है कि 29वां भारतीय पेंट सम्मेलन 2019 कहाँ शुरू हुआ है, और ये जो पेंट सम्मेलन शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है कोलकाता में। तो डी ऑप्शन इसका सही है, ताज नगरी कोलकाता में। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो देश के पेंट उद्योग की शीर्ष संस्था है इंडियन पेंट एसोसिएशन, इसने बताया कि 29वां द्विवार्षिक भारतीय पेंट सम्मेलन ये आगरा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, और सम्मेलन का विषय है पेंट्स पे चर्चा नया आयाम। विशेष क्या है कि इसमें अनुमानित 500 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय पेंट्स और कोटिंग उद्योग का सबसे बड़ा व्यापार शो ये होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 5वां प्रश्न है कि किस देश में सुत्सेंग चांग प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और ये प्रधानमंत्री जो नियुक्त की गई है ताइवान में। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। देखिए, ताइवान में राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने जो है सुत्सेंग चांग को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, और स्थानीय चुनाव में सत्ताधारी जो अभी वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको नुकसान हुआ, और कैबिनेट में फेरबदल के तहत फिर ये फैसला किया गया। ये जो है श्री सु, ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करेंगे ताइवान की। ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपे ताइवान की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो त्साई इंग वैन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा क्या है यहाँ का? नया ताइवान डॉलर, और एक ताइवान डॉलर के अंदर लगभग 2 इंडियन रुपीज होते हैं। तो ये आप ताइवान के बारे में याद रखिएगा। चलिए, मैप में मैं आपको ताइवान दिखाता हूँ, और ये एक मान्यता प्राप्त देश नहीं है, क्यों नहीं उसकी बारे जानकारी देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आप मुड़ेंगे पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व में आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये एक देश, राइट। वैसे तो ये चाइना के कलर का ही दिखाई दे रहा है, तो चाइना जो है इसको बहुत से देश अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में मान्यता नहीं देते। चाइना इसको अपना जो है भाग बताता है। चलो, हुआ क्या था जब चाइना आजाद हुआ था, और उस समय 2 प्रकार के लोग थे, जो सामंतवादी समाजवादी जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, चाइना के ऊपर कब्जा किया और साम्यवाद वहां पर बसाया। लेकिन जो लिबरल थे वो यहाँ पर आ गए, इस द्वीप पर आकर रहने लगे, राइट। तो वो अपने आप को एक अलग देश मानते हैं, और जो चीनी संस्कृति है उसका वाहक ताइवान खुद को मानता है, जबकि चाइना कहता है कि ये चाइना का ही हिस्सा है। और अभी रिसेंटली इसमें न्यूज भी आई थी कि चाइना ने कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान को अलग नहीं होने देंगे, राइट। तो हमेशा लड़ाई की मुद्रा में एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? ताइवान। इसकी अपनी मुद्रा है, अपने राष्ट्रपति, अपनी सरकार है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने प्रश्न है 6वां, कि किस देश में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता फेलिक्स ससेकेदी को जीत मिली है, और ये जीत मिली है कांगो में। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, कांगो। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कांगो में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जो विपक्षी नेता है फ्लेक्सी सिसेकेदी, इनको जो है जीत हासिल हुई इसके अंदर। चुनाव में 38.57% वोट इनको मिले, जबकि जो विपक्षी उम्मीदवार थे मार्टिन फायुलुलू, इनको जो है नतीजों ने इनको कहा कि भैया ये जो है तख्ता पलट है, ये कोई जो है चुनावी जीत नहीं है। अगर ये संवैधानिक न्यायालय जो है उनकी जीत को पुष्टि कर देता है, तो कांगो में 1960 में जब वो बेल्जियम से अलग हुआ था उसके बाद पहली लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। तो ये एक बड़ी बात होगी अगर वहां पर ऐसा किया जाता है। तो बात करेंगे कांगो की। कांगो की राजधानी किन्शासा है। राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ काबिला। और मुद्रा क्या है कि कांगोलिस फ्रांक। 1 इंडियन रुपीज में 23 कांगोलिक फ्रांक होते हैं। चलिए, मैप में मैं आपको कांगो लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर कांगो जाना है तो अफ्रीकन एक कंट्री कांगो, यहां पर आप जाएंगे तो ये दिखाई देगा आपको कांगो कहां पर है। ये देखिए, ये है कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, राइट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और यहां से ये इसकी राजधानी किन्शासा है, जबकि यहां पर ये दूसरा कांगो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और ये दूसरा कांगो, ठीक है। ये इसका नाम भी कांगो है, और इसकी राजधानी ब्राजबिल, दोनों पास पास में है। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये कांगो जो है ये कर्क रेखा पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्क रेखा पर जो है कांगो पड़ता है, राइट। और यहां पर देखिए एक कांगो नदी आपको दिखाई दे रही है, कांगो नदी, ये कांगो नदी है, और ये कांगो नदी यहां से एक बार कर्क रेखा को क्रॉस करती है, वापस आके यहां फिर से कर्क रेखा को क्रॉस
क्रॉस करती है। तो दो बार कर्क रेखा को क्रॉस करने वाली नदी है कांगो नदी, वो यहां बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न कि इसरो द्वारा कब तक सूर्य ग्रह पर एक मिशन भेजने की योजना बना रहा है। तो जो है इसरो इसके बारे में 2023 तक ऐसा करने के लिए काम कर रहा है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, उसने बताया कि सबसे पहले तो वो दिसंबर 2021 तक वह अंतरिक्ष में मानव मिशन जिसका नाम गगनयान है उसको शुरू करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी तैयारी कि हम दिसंबर 2021 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, जबकि 22 तक के हमारे पास समय सीमा है। विशेष क्या है कि गगनयान परियोजना के तहत भारत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए वह अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। तो इसरो के जो अध्यक्ष वर्तमान में के सिवान साहब, उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इसरो 2023 तक शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजने की योजना भी बना रहा है। इसके साथ इसरो टीवी चैनल की शुरुआत करेगा। 2 से 3 महीनों के अंदर ये टीवी चैनल शुरू कर दिया जाएगा। बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की राजधानी इसरो की डिटेल देख लेते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 को, और मुख्यालय कहाँ है इसका, बेंगलुरु में। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवान, जिनको रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा इनका निकनेम क्या है, तो रॉकेट मैन इनका निकनेम है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है। तो एक इंडेक्स जारी की गई है और इसमें कहा गया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो जापान का है। भारत का क्या स्थान है उसके बारे में हम डिटेल से आपको बता देते हैं। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2000 ये जारी हुआ है। 119 देशों के दस्तावेजों की पहुंच के कारण यानी 119 देशों में बिना किसी वीजा के ये जा सकते हैं, और उसके कारण जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है पासपोर्ट बन गया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत इसमें जो है 81वें स्थान पर रहा है 2018 में, और 2 स्थानों की इसने जो छलांग लगाई है। तो अब किस स्थान पर, 79वें स्थान पर वर्तमान में भी है, 2018 में 81वें स्थान पर था। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसके आधार पर तैयार किया जाता है, और इसमें 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थल शामिल किए जाते हैं। बात करेंगे हम जापान की, जो नंबर वन है। जापान, राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री यहाँ के शिंजो आबे हैं, मुद्रा क्या है येन, और 1 जापानी येन में 1.6 इंडियन रुपीज होते हैं। चलिए मैं अब आपको जापान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना है तो ये जापान है। पूर्व की तरफ मूव कीजिए, दक्षिण सॉरी पूर्व में स्थित है और सबसे पूर्वी देश है, एशिया की ये कंट्री है। यहाँ पर आप देखेंगे जापान की राजधानी टोक्यो है, जहाँ पर कि 2020 में क्या होने वाला है, ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। तो ये भी आप जापान के बारे में याद रखिएगा। इस तरफ साउथ कोरिया है, इस तरफ जो है रशिया है, ये प्रशांत महासागर आता है इस तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है नवा प्रश्न कि कौन सा राज्य 13 फरवरी 2019 से जो शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा, और इसकी मेजबानी की जाएगी ओडिशा के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ओडिशा। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ओडिशा जो है 13 फरवरी 2019 से जो शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो क्या है विशेषज्ञ जो होते हैं बांध सुरक्षा प्रबंधन में चुनौतियां क्या हैं, बांध सुरक्षा प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं क्या हैं जो सारा विश्व जिनको अपनाता है, तो इन मुद्दों पर विचार करेगा। आयोजक कौन है, तो इसका आयोजक है केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। उसके अलावा ओडिशा सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब बात करेंगे ओडिशा के, जहां इसका आयोजन किया जाएगा। ओडिशा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल से हैं, और राज्यपाल यहां के प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कि किसे 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया भारत की तरफ से, और ये नियुक्त कौन किए गए, इनका नाम है वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। बी ऑप्शन सही उत्तर है, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। इनकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए इनको भारत के लिए मिशन प्रमुख नियुक्त किया गया है। वैश्य जो है भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष में से भी एक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। कल का मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत द्वारा ईरान में बनाए गए बंदरगाह का नाम क्या है, कौन सा ये बंदरगाह है। इसका उत्तर दिया हमें हर्षवर्धन चकाने, उन्होंने बताया है के चाबहार पोर्ट जो है उसको अफगानिस्तान के अलावा मध्य एशिया, रूस और यूरोप के साथ भारत के गेटवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका नाम क्या है, चाबहार पोर्ट, जो कि कहां पर है,
ईरान के अंदर, राइट। इन्होंने एक शानदार कोटेशन भी लिखा है कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक कि उसे हासिल नहीं कर लेते। लेकिन मानिए दोस्तों, सफलता ऐसे ही मिलती है। अपना लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बनाने के बाद उस पर आंखें बंद करके चलना शुरू कर दो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको फाइनली सफलता ना मिल जाए। और यहां आंखें बंद करने का मतलब यह है कि दिन रात मेहनत करो, सब कुछ उसमें अपना न्यौछावर कर दो, झोंक दो और सफलता आपको मिल जाएगी। आज का प्रश्न है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। जीएसटी संबंधित एक उलटफेर हुआ है बड़ा, जिसमें मैं पहले प्रश्न बताया था, तो इसी संबंधित प्रश्न है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में मुझे आप जो भी डिटेल बता सके कमेंट करके बता सकते हैं, आपके उत्तरों का इंतजार रहेगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।